brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार अब आमने सामने हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में प्लाज्मा थेरेपी बंद करने की बात कही है, तो वहीं दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतर गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले हैं कि उनकी जान खुद प्लाज्मा थेरेपी की वजह से बची है, ऐसे में केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है। आपको बता दें कि मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल COVID-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाने पर विचार चल रहा है। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले हैं कि मैं खुद उदाहरण हूं, प्लाज्मा से मेरी जान बची है, मैं कहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्येंद्र जैन ने आगे कहा कि दिल्ली में इसका फायदा होते हुए दिख रहा है, 2000 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा बैंक के जरिए प्लाज्मा दिया गया और बहुत सारे लोगों ने खुद प्लाज्मा का इंतजाम किया है। देखिए, ICMR ने और एम्स ने मिलकर उसकी स्टडी खुद भी स्टार्ट की थी, वो अभी तक उसमें काफी ब्रेक थ्रू नहीं मिला। शायद दिल्ली सरकार इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है और ट्रायल जो रन किए गए उनसे परमिशन लेके ही कर रहे हैं सारे, ऐसा तो है नहीं, उनसे परमिशन लेने के बाद किया जा रहा है। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया जा चुका है और मैं तो खुद प्लाज्मा से मेरी जान बची है, तो मैं तो इसको कहूँगा कि भाई दिस इज ऐसा नहीं करना चाहिए। 2000 से ज़्यादा लोगों को बैंक के थ्रू दिया गया, जिन्होंने डायरेक्ट कोई डोनर मिलकर उससे लिया वो अलग है, जो हमने ILBS में बैंक बनाया उसी से 2000 से ज़्यादा को इशू किया जा चुका है। दरअसल देश में प्लाज्मा थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्लेसिड परीक्षण नाम से दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण किया गया था। देश भर में 39 केंद्रों पर 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच 464 रोगियों पर परीक्षण किया गया था। अध्ययन सितंबर में एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ था। परीक्षण से पता चला है कि प्लाज्मा थेरेपी मरीजों को फायदा पहुंचाने में नाकामयाब रही है। दिल्ली तक ब्यूरो।